प्रदेश में गौवंश की मौत के बाद सीएम के एक्शन और निर्देश के बाद प्रशासन सतर्क दिखाई दे रहा है। आजमगढ़ में जिला अधिकारी ने चक्रपानपुर बाजार के पास स्थित किशुनपुर गांव में बने सरकारी गौशाला का निरीक्षण किया। इस दौरान जिला अधिकारी ने गौशाला में गौवंशों, उनके चारे, शेडों की व्यवस्था का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिला अधिकारी ने पाया कि पशुओं के सापेक्ष शेड कम है, साथ ही चारे की व्यवस्था में समस्या, चारा खाने के लिए नाद आदि की भी समस्या है, जिसके बाद जिला अधिकारी ने अधिकारियों को दो नए शेड, नाद, चारा, चिकित्सक सेवाओं को 3 गुना बढ़ाने के निर्देश दिए। साथ ही नर और मादा के लिए अलग अलग कर्मचारियों की 8-8 घंटे की ड्यूटी लगाने का निर्देश दिया। मुख्य रूप से देखने आया था कि कैसे पशुओं को जो 3 महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं होती हैं, यहाँ पर जानवर जितने हैं उसके हिसाब से शेड नहीं है, तो एक तो 2 और अतिरिक्त शेड बनवाने का निर्णय लिया है जो 5-6 दिन में बन जाएंगे। साथ ही जो चरनी और नाद होती है जिनमें कि उनको भूसे और चारा खाने के लिए दिया जाता है, उसकी संख्या को भी 3 गुना बढ़ाने के लिए सैंक्शन किया, वो भी 3-4 दिन में हो जाएगी व्यवस्था। इस तरह से 3-3 लोग जो 8-8 घंटे रहेंगे वो इस तरह की व्यवस्था देखेंगे, और चारा भी प्रतिदिन जो खरीद करके लाया जाता है उसके बजाय कम से कम 1 हफ्ते 10 दिन का स्टॉक यहीं पर होना चाहिए, और वो ख़त्म होने के 3 दिन पहले फिर से स्टॉक पूरा हो जाना चाहिए, ये भी सुनिश्चित किया जाएगा। इसके अलावा जिला अधिकारी ने चेतावनी दी कि अगर इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बरती गई तो संबंधित अधिकारी कर्मचारी के खिलाफ निलंबन, बर्खास्तगी के साथ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए आजमगढ़ से पितेश्वर कुमार की रिपोर्ट।